बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गूगल ने 25 एंड्रॉयड ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी। गूगल ने फेसबुक की लॉगिन तफसीलात चोरी करने पर 25 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया। टेक्नोलॉजी की मारूफ वेबसाइट ZDNet के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर 25 मोबाइल फोन्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर पाबंदी आयद कर दी है, जो कि सारिफ की फेसबुक लॉगिन की तफसीलात चोरी करने में मुलविस थी। साइबर सिक्योरिटी फोरम एवीना की जानिब से गूगल को अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप्स को फौरी तौर पर हटा दिया गया। ऐप्स में ऐसा सिस्टम मौजूद था जो आपके फ़ोन इस्तेमाल करने पर फेसबुक लॉगिन की तफसीलात का रिकॉर्ड कर लेता था। ZDNet के मुताबिक ऐप्स को 2.34 मिलियन बार डाउनलोड किया गया था। जिन ऐप्स को गूगल ने अपने प्ले स्टोर से हटा दिया है, इनमें तस्वीर एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, वायरल पेपर, टॉर्च लाइट एप्लीकेशंस, फाइल मैनेजर एंड मोबाइल गेम्स शामिल थीं। एक ऐप सुपर वॉलपेपर टॉर्च वो वाहिद ऐप थी जो 500,000 बार डाउनलोड किया गया था। इन ऐप्स में ऐसा कोड शामिल था जिसकी मदद से ये मालूम किया जा सकता था कौन सी ऐप खुली है। गूगल ऐप स्टोर जिन ऐप्स को हटाया गया है उनकी तफसीलात कुछ यूं थीं: सुपर वॉलपेपर फ्लैशलाइट, पैंडालोर वॉलपेपर लेवल, कॉन्स्टेंट लेवल वॉलपेपर, आई प्लेयर, आई वॉलपेपर, वीडियो मेकर, कूलर वॉलपेपर, फ्रीडम मीटर, पावरफुल और दीगर ऐप्स शामिल थीं। इन ऐप्स के मुतालिक गूगल को इतलाब मई 2020 में दिया गया था। गूगल प्ले स्टोर ने रवा माह के शुरू इन ऐप्स को हटा दिया। टेक्नोलॉजी से मुतालिक अफराद सवाल उठा रहे हैं कि गूगल की जानिब से ऐप की अप्रूवल की सख्त प्रोसीजर के बावजूद इस किस्म की ऐप प्ले स्टोर पर अपनी जगह बना लेती हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।